इस ट्यूटोरियल में हम लोग हर तरह की मूव करने की टेक्निक सीखेंगे। हम लोग जब ब्लाइंड और डिफॉल्ट ओपन करते हैं तो इस तरह की एक क्यूब रहता है। इस क्यूब को मूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसलेट देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे टेक्निक है, मैं एक एक करके हर तरह की मूव करने की तरीका बताएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ट्रांसलेट है इसे क्लिक करने के बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग एक्स प्रेस करते हैं, एक्स, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ फिक्स हो जाता है। इस बार जब हम लोग इसे मूव करते हैं तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव होता है। हम लोग जब वाई प्रेस करते हैं तो ये वाई एक्सिस के ऊपर मूव होता है, और जब जी प्रेस करते हैं तो जी एक्सिस की तरफ मूव होता है। यह है फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट, सेकंड मेथड, यहाँ पे जो लोकेशन है इसे यूज करके भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्स, इसकी वैल्यू चेंज करके, मतलब यहाँ पे अगर किसी भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 3 मैं प्रेस करके देखता हूँ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट मूव होता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम लोग किसी भी वैल्यू देते हैं, यहाँ पे अगर 2 देते हैं, नेक्स्ट एंटर करते हैं, तो ये ग्रिड में आप देख सकते हैं ये है 1 यूनिट y की तरफ, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। अगर आप 3D सॉफ्टवेयर में न्यू है तो आपको ये जानना है कि ये है रेड कलर की जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसकी साइन आपको दिखेगा, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। आप यहाँ से सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तो जी की तरफ मूव होता है। अगर आप वाई की तरफ मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज करके वाई एक्सिस के ऊपर आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है इसे चेंज करके इस तरह से मूव कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट तरीका है मेथड 3। कीबोर्ड पे आप जब जी प्रेस करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो, जब जी प्रेस करते हैं तो इस क्यूब मूव करेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं शॉर्टकट यूज करके एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जी एक्सिस की तरफ मूव करना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ से जी प्रेस करना है एंड एक्स, तो रेड कलर की एक लाइन आएगा, ये है एक्स एक्सिस की लाइन। अगर ग्रीन कलर की लाइन आता है इस तरह से तो ये है वाई एक्सिस की लाइन, अगर ब्लू कलर की लाइन आता है तो ये है जी एक्सिस। मतलब यहाँ पे आपका जो साइन दिख रहा है यह है एक्स डायरेक्शंस, यह है वाई डायरेक्शंस, इस तरफ है एक्स डायरेक्शंस, इस तरफ है वाई डायरेक्शंस एंड इस तरफ है जी डायरेक्शंस। मेथड 4, यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं, अगर ब्लाइंडर 2.8 और 9.2 यूज करते हैं तो यहाँ पे जो आइकन, ये आइकन है मूव के लिए, और ट्रांसलेट ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस आइटम, आप जब एन प्रेस करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज एडिटर आएगा, यहाँ पे लोकेशंस, इसकी वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो सेम ब्लाइंडर 2.79 में जैसा काम हो रहा था यहाँ पे भी सेम काम हो रहा होता है। यहाँ पे भी जी प्रेस करने से मूव एंड एक्स, अगर एक्स प्रेस करते हैं तो इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर ये फिक्स हो जाता है, अगर वाई प्रेस करते हैं तो इस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर फिक्स हो जाता है। यहाँ पे ये सारे आइकॉन है मूव, रोटेशंस एंड स्केल के लिए। अभी हम लोग इस ऑप्शन क्लिक करके इसे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड थी ऑब्जेक्ट मोड में। अभी हम लोग एडिट मोड में जाएंगे। टैप, टैप प्रेस करने से एडिट मोड, यहाँ से फेस सेलेक्ट करते हैं, इस फेस को ई प्रेस करके एक्सट्रूड करते हैं। एडिट मोड में यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे अगर इस तरह की कोई फेस है, आप इसकी नॉर्मल डायरेक्शंस पर इसे मूव करना चाहते हैं, इस तरफ, ये इस तरफ तो मूव होगा और इस तरफ भी मूव होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शंस मैं अभी फिलहाल इस तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शंस है, यहाँ से लोकल, लोकल, नॉर्मल, यहाँ से ग्लोबल और व्यू, इसे जब आप नॉर्मल करके मूव करेंगे तो इसकी डायरेक्शंस चेंज हो जाएगा, ये इस तरफ मूव होगा। अगर मॉडलिंग करने के समय आपकी ये प्रॉब्लम्स आता है तो इस तरह इसे चेंज करके यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे लोकल करने से भी इस डायरेक्शंस पर
मूव होता है, लेकिन जब आप नॉर्मल यूज करोगे, नॉर्मल का मतलब है अगर यहाँ पे आप देखोगे, आप अगर न्यू है तो इन प्रेस करोगे तो प्रॉपर्टीज एडिटर आएगा, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे इसकी नॉर्मल, इस फेस की नॉर्मल डायरेक्शंस आप इस तरफ इंक्रीज करके देख पाओगे। यहाँ पे जब नॉर्मल करते हो तो ये जो 3D एक्सिस है इसकी नॉर्मल डायरेक्शंस पर सेट हो जाता है। अभी हम लोग अगर जी एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो इस तरह मूव होगा। अभी हम लोग ब्लाइंडर में रोटेशंस देखेंगे। रोटेशंस के लिए शॉर्टकट होता है आर। कीबोर्ड पे जब आर प्रेस करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट होता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो फ्रेश एक्स इस तरह से रोटेट होगा। लेकिन अभी भी एक टेक्निक बाकी है, आर एक्स एंड यहाँ पे वैल्यू प्रेस कर सकते हैं। अगर आप 9 प्रेस करते हैं तो 9 डिग्री रोटेशंस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर 9 डिग्री रोटेशंस होता है। अगर 0 प्रेस करते हैं तो 90 डिग्री रोटेशंस होता है। एक्स एक्सिस की तरफ मतलब है ये इस तरफ रोटेशंस होता है। यहाँ पे रोटेशंस ऑप्शंस है, ये भी आर, आर के बदले में इसे भी प्रेस क्लिक कर सकते हैं। इसे जब क्लिक करके वाई फिक्स करते हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशंस होता है इस तरह से। अगर जी प्रेस करते हैं तो इस तरह से रोटेशंस होता है। जब वाई प्रेस करते हैं तो इस तरह से रोटेशन होता है। जब जी प्रेस करते हैं तो इस तरह से रोटेशंस होता है। यह है जी एक्सिस, इस तरह से रोटेशंस होगा, यह है वाई एक्सिस। नेक्स्ट और एक तरीका है, यहाँ पे जो आइकन है ये रोटेशंस के लिए, इसमें जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3D रोटेशंस एक्सिस देता है। इस रोटेशंस एक्सिस को यूज करके वाई के तरफ रोटेशंस कर सकते हैं, एक्स के तरफ रोटेशंस कर सकते हैं और यहाँ से जी एक्सिस के ऊपर रोटेशंस। नेक्स्ट और एक तरीका है, यहाँ पे 0 कर देती हूँ। नेक्स्ट रोटेशंस के लिए ये ऑप्शंस काम में आता है। यहाँ पे अगर वैल्यू सेट करते हैं ये है एक्स वाई एंड जी, लेकिन अगर यहाँ पे आप 9 एंड 0 ये प्रेस कर देते हैं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से रोटेट होता है। अगर यहाँ 1 एंड 5 15 करते हैं तो इस तरह से रोटेट होगा। नेक्स्ट हम लोग ब्लाइंडर 2.92 में देखते हैं, एक टोरस को लेते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन है रोटेशंस के लिए, इसे जब क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे रोटेशंस एक्सिस दिखाई देगी। यहाँ पे ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस एंड ए है जी एक्सिस। नेक्स्ट और एक एक्सिस है, ए ग्लोबल एक्सिस। यहाँ पे ये ऑप्शन है रोटेशंस के लिए, यहाँ पे वैल्यू इधर उधर करके या वैल्यू सेट कर, या अगर 90 प्रेस करते हैं इस तरह से वैल्यू देके आप रोटेशंस कर सकते हैं, वाई की वैल्यू सेट कर सकते हैं, जी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है स्केल, स्केल के लिए ये ऑप्शन है, इसे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्केल करने के लिए एक्सिस देता है। ये है वाई एक्सिस, इस तरफ स्केल करने के लिए एक्स एक्सिस, इस तरफ स्केल करने के लिए जी एक्सिस। यहाँ से सेम वैल्यू यूज करके भी, और इस तरह लेफ्ट क्लिक करके सिंपली राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये करने से आपका स्केल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इस ऑप्शन है स्केल के लिए, अगर एक्स प्रेस करते हो एक्स एंड 3 इस तरह वैल्यू देके, एस शॉर्टकट, एस एस स्केल के लिए यूज होता है, एस एक्स 3, एस वाई यहाँ पे 2, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भी सेम। सो शॉर्टकट यूज करने से बहुत क्विकली हम लोगों का सेव मिलता है। एस जी एंड यहाँ पे किसी भी वैल्यू प्रेस करना है कीबोर्ड से।